फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास लेसन जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अक्सर हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहाँ हम कहते हैं अब नहीं या अब और नहीं। जब आपके सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड आए अब नहीं या अब और नहीं, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए नो लॉन्गर या एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझे। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आपको अब और इंतजार नहीं करना है, तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से कह सकते हैं, जैसे यू हैव नो लॉन्गर टू वेट, यानी आपको अब और ज्यादा और अधिक इंतजार नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को एनी लॉन्गर से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अगर एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से होंगे। यू हैव नॉट टू वेट एनी लॉन्गर, यानी आप अपने सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे एनी लॉन्गर। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो अब नहीं या अब और नहीं, तो आप नो लॉन्गर या एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोलेंगे। नो लॉन्गर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि आप पहले कुछ थे जो अब नहीं हैं, तो आप नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, यानी पहले मैं एक अध्यापक था बट अब मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, तो मैं कहूंगा आई एम नो लॉन्गर अ टीचर। वह अब एक नर्स नहीं है, सी इज नो लॉन्गर अ नर्स। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सी इज नॉट अ नर्स एनी लॉन्गर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मैं अब और शराब नहीं पीता या अब मैं शराब नहीं पीता, यानी पहले मैं पीता था बट अब ये नहीं करता, तो आप कहेंगे आई नो लॉन्गर ड्रिंक वाइन। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, आई डोंट ड्रिंक वाइन एनी लॉन्गर। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा I can no longer afford। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकता हूँ, I cannot afford any longer। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो वह अब मेरी दोस्त नहीं है, यानी अब ऐसा नहीं है, तो आप कहेंगे सी इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो तुम अब एक अच्छे इंसान नहीं हो, तो आप कहेंगे यू आर नो लॉन्गर अ जेंटलमैन। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर नॉट अ जेंटलमैन एनी लॉन्गर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर का यूज शानदार तरीके से समझ में आया, कि आपने यहाँ सीखा नो लॉन्गर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कि आप पहले कुछ थे जो अब नहीं हैं, तो आप नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।